अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डेयर स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर बायोलॉजी की पेपर स्कीम जो है आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को जब पूरा देखिएगा इंशाल्लाह वीडियो पूरा देखने के बाद आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हम लोगों ने तैयारी जो है वो किस तरह जो है वो करनी है, कौन से चैप्टर जो है हम स्किप कर सकते हैं और कौन से जो है उनको अच्छी तरह तैयार करना है। तो ये सारा जो है आइडिया जो है वो पेपर स्कीम जो है उसको देखने और समझने के बाद ही आपको आइडिया होगा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ की बात करते हैं, तो आप लोगों के चैप्टर 15 से 27 तक एमसीक्यूज़ किस तरह आएंगे वो मैं बता देता हूँ, आपको शो भी हो रहे होंगे। तो चैप्टर 15 में से एक एमसीक्यूज़, 16 और 17 में से दो दो एमसीक्यूज़, 18 और 19 में से एक एक एमसीक्यूज़, चैप्टर 20 में से दो एमसीक्यूज़, 21, 22 से एक एक एमसीक्यूज़, 23 से दो एमसीक्यूज़, 24, 5, 6 और 27 में से एक एक एमसीक्यूज़ जो है वो आप लोगों से पेपर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट शार्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो शार्ट क्वेश्चन जो हैं आप लोगों के क्वेश्चन 2, 3 और 4 हैं, तो 12 में से 8 शार्ट क्वेश्चन जो आप लोगों ने करने हैं क्वेश्चन 2 और 3 में, और क्वेश्चन 4 में आप लोगों ने 9 में से 6 शार्ट क्वेश्चन जो है वो करने होंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को शो हो रहा है कि दो क्वेश्चन जो हैं आपके एप्लीकेशन बेस्ड मतलब एनालिटिकल होंगे क्वेश्चन 2 और 3 में, जब क्वेश्चन 4 में एक एनालिटिकल क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन 2 और 3 में 6-6, जब क्वेश्चन 4 में 5 क्वेश्चन जो है वो नॉलेज बेस्ड होंगे मतलब सिंपल जो है वो क्वेश्चन होंगे जैसे डिफाइन या डिफरेंस वाले, जबकि क्वेश्चन 2, 3 में 4-4 और क्वेश्चन 4 में 3 जो है वो कंसेप्चुअल मतलब अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोग से पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन 2 की अगर बात करें तो चैप्टर 15, 16, 18, 26 और 27 है क्वेश्चन नंबर 2 में, तो चैप्टर 15 में से 3, चैप्टर 16 में से 3, चैप्टर 18, 26, 27 में से दो दो शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस तरह ये टोटल 12 शार्ट क्वेश्चन होंगे जिनमें से आप लोगों ने 8 जो है वो अटैम्प्ट करने होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर 17, 22, 23 और 25 है, तो ये इन 4 चैप्टर में से हर चैप्टर में से 3-3 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो टोटल जो है 12 ये क्वेश्चन होंगे जिनमें से आप लोगों ने 8 अटैम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन 4 में आप लोगों के चैप्टर नंबर 19, 20, 21 और 24 ये 4 चैप्टर होंगे। टोटल इन 4 चैप्टर के 9 क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, 6 करने होंगे। तो वो 9 क्वेश्चन किस तरह आएंगे, चैप्टर नंबर 19 में से 2, चैप्टर 20 में से 3, चैप्टर 21 और 24 में से 2 शार्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों से इस पार्ट में पूछे जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो 5 में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटैम्प्ट करने होंगे। बाकी मैंने आपको समझा दिया है कि एनालिटिकल जो है या एप्लीकेशन बेस्ड जो है उसको ए से यू को अंडरस्टैंडिंग मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन और के से मुराद सिंपल जो एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो वाले। तो क्वेश्चन 5 में ए पार्ट चैप्टर 15 में से, बी पार्ट चैप्टर 21 में से, क्वेश्चन 6 में ए पार्ट चैप्टर 16 में से, बी पार्ट चैप्टर 25 में से, क्वेश्चन 7 में ए पार्ट चैप्टर 17 में से, बी पार्ट चैप्टर 24 में से, क्वेश्चन 8 में ए पार्ट चैप्टर 18 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 22 से, और क्वेश्चन 9 में ए पार्ट चैप्टर नंबर 19 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 23 से जो है पूछा जाएगा। तो ये आप लोगों की पेपर स्कीम है, इसी के मुताबिक जो है आप लोगों ने तैयारी करनी है, तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बाकी गेस्ट पेपर जो है वो भी आप लोगों के साथ जल्द शेयर किया जाएगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, बेल आइकान को प्रेस कर दीजिएगा, कोई बात समझ ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।